अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, विटामिन B3 अच्छी सेहत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और अहम विटामिन है। यह जिस्म में अच्छी किस्म के कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ाता है और बुरी किस्म के कोलेस्ट्रॉल जो कि नुकसानदेह है इसकी सतह को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को भी कंट्रोल करता है और ऐसे यह दिल के अमराज से बचाव का सबब बनता है। जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल बड़ा रहता है डॉक्टर इनको अक्सर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के साथ विटामिन B3 भी तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा विटामिन B3 जल्द बालों और एसाबी निज़ाम को सेहतमंद रखने और DNA की रिपेयरिंग में मदद करता है। इस विटामिन की रोज़ाना की बुनियाद पर जिस्म को ज़रूरत होती है क्योंकि यह जिस्म से खारिज होता रहता है और जिस्म में स्टोर नहीं होता। अगर खुराक में मुनासिब मकदार में विटामिन B3 ना मिले तो जल्द ही जिस्म में इसकी कमी वाकया हो जाती है जो कि सेहत के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। एक जवान मर्द को रोज़ाना 16 मिलीग्राम और औरत को 14 मिलीग्राम विटामिन B3 की ज़रूरत होती है। हामला खवातीन को 18 मिलीग्राम और दूध पिलाने वाली औरतों को 17 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए। याद रखें कि ये ज़रूरी विटामिन इसलिए है कि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की बीमारियों से बचाव का सबब बनता है, खून की नालियों को बेहतर करता है और हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मदद करता है, लबलबे को सेहतमंद रखने में मदद करता है और शुगर की बीमारी से बचाव और कंट्रोल में मदद करता है, दिमाग को एनर्जी फराहम करने और बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिल्द को सूरज की रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाता है। इन सब वजूहात की बिना पर यह सेहत के लिए एक ज़रूरी विटामिन है जिसका रोज़ाना की खुराक में शामिल रहना ज़रूरी है, वरना इसकी कमी जिगर या गुर्दे की बीमारी, पेट के अल्सर, ग्लूकोज की सतह में कमी बेशी, जल्द खुरदरी होना, थकावट या सुस्ती, जहनी दबाव, यादाश्त की कमी, पट्ठों के नुकसानात और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का सबब बन सकती है। याद रखें कि इन सब चीज़ों को जानकर हरगिज़ ऐसा ना करें कि विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बल्कि ऐसी गिज़ाएँ लें जिनमें ये पाया जाता है जो कि मुदर्जा ज़ैल हैं। गाय का गोश्त, गाय का जिगर, मुर्गी, मछली, अनाज, गिरीदार मेवे, दालें, केले, भुनी हुई मूंगफली और फलियों में विटामिन B3 अच्छी मकदार में पाया जाता है। आप ऐसी गिज़ाओं से अपनी रोज़ाना की विटामिन B3 की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और इसकी कमी से बच सकते हैं। इसके सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की हदायत से लें, खुद से हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआओं में याद रखें, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।